आज उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगपुर में आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से नेताओं का एक विशेष समीक्षा बैठक है। इसमें तीन जोन, रायरंगपुर जोन, बारीपदा जोन और क्योंझर जोन के हमारे सभी प्रमुख नेता उपस्थित हैं। हम लोग सरना धर्म कोड के लिए लगातार आंदोलन चला रहे हैं कि भारत सरकार इसको अविलंब मान्यता दे और भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं, और जो अपने आप को हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं मानते हैं, और जो लोग मंदिर मस्जिद गिरजा में पूजा नहीं करते हैं बल्कि अपने पूजा स्थल जिसको जाहिर थान, सरना, देसावली आदि कहा जाता है उसमें पूजा करते हैं, और जिनके बीच में समाज में वर्ण व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं है, तो इन सारे भारत के आदिवासियों को भी इस साल 2021 में उनकी अपनी धार्मिक पहचान के साथ जनगणना में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये धर्म का मामला, संविधान के मौलिक अधिकार का मामला है अनुच्छेद 25 के तहत, मगर दुर्भाग्य से अभी झारखंड सरकार और भारत सरकार, अर्थात झारखंड में जेएमएम की हेमंत सोरेन सरकार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार, ये दोनों ही सरना धर्म विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, और इसलिए यह मामला अभी लंबित है। और इन सभी कारणों से हम लोगों ने घोषणा किया हुआ है कि यदि अभी तुरंत इस मामले पर सरना धर्म कोड की मान्यता का घोषणा भारत सरकार नहीं करेगी, तब हम लोग 31 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। क्योंकि ऐसा यदि नहीं होता है तो इससे आदिवासियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा और आदिवासियों को जोर जबरदस्ती हिंदू मुसलमान ईसाई आदि बनाने का एक षड्यंत्र चलेगा। और हम लोग वैसे ना हिंदू धर्म, ना मुसलमान धर्म, ना ईसाई धर्म किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपनी धर्म जो प्रकृति पूजा धर्म है, सरना धर्म है, उसकी मान्यता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और ये भारत के स्तर में अभी काफ़ी जागृति हुई है और उसमें आदिवासी संगठन अभियान का बहुत योगदान है।